खीरी में हुआ सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आगाज़ डीएमएसपी ने सड़क जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी किया रवाना लखीमपुर में 15 दिसंबर को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर 15 से 31 दिसंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा शुक्रवार को इसके शुभारंभ पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह एसपी गणेश प्रसाद साहा, एडीएम संजय कुमार सिंह ने एआरटीओ आलोक कुमार पीटीओ कौशलेंद्र यादव की मौजूदगी में कलेक्टर एक परिसर से सड़क जागरूकता रथों और स्टेक होल्डर्स के करीब 180 सौ बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो नगर के मुख्य मार्ग से सड़क सुरक्षा का संदेश देकर गुजरे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर डीएमएसपी ने आमजन से अपील की है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने तथा छोटी मोटी सावधानियां बरतने से हम स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं डीएम ने लोगों से अपील की कि वाहनों का संचालन करते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें तेज गति से वाहन न चलाएं किसी प्रकार के स्टंट करने से बचें अगत्था यातायात संकेतांकों का स्वयं पालन करें इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें डीएम में उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाया पखवाड़े के संयोजक एआरटीओ आलोक कुमार ने कहा कि हर नागरिक का दायित्व है कि वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करे नियमों का सभी के द्वारा अगर गंभीरता से पालन किया जाए तो दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी यह सिर्फ एक पखवाड़ा नहीं बल्कि एक मिशन है जो आगे भी जारी रहेगा सड़क जागरूकता मोटरसाइकिल रैली में स्टेक होल्डर्स के लगभग 180 सौ बाइकर द्वारा हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल एवं स्कूटर से प्रतिभाग कर सड़क सुरक्षा रथों के पीछे चलते हुए सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों से लोगों को जागरूकता किया गया इस कार्यक्रम में परिवहन से जुड़े बस ट्रक ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों एवं परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों को भी सम्मिलित किया गया इस अवसर पर उपजिला अधिकारी रेनू मिश्रा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक कुमार यात्री एवं मालकर अधिकारी कौशलेंद्र यादव सहित अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों के अधिकारी व गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे बी एस लाइव से आर जे संतोष की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं बी एस लाइव न्यूज चैनल खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूले धन्य